Hello, I'm Rosalind D'Souza and you're watching me on PNTV. Thank you. सो बहुत ही इमोशनल सीन है. हमारी तो कहानी ही है बिंदिया और उसकी प्यारी बहन पायल की. तो इमोशनल सीन चल रहा है. अब मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगी नहीं, क्योंकि सही बात तो ये है कि अगर मैंने बता दिया ना, फिर आपका खुद का व्यूअरशिप का एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा. और बच्ची इतना प्यारा सीन कर रही है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर देखें. अरे बुआ जी का मिडिल नेम ही है चिल्लाना फटकारना. बुआ जी वही करती है बिंदिया पे, पायलिया पे, दोनों पे कहर. तो बुआ बरसाने का तो काम ही है उनका. तो पायल जो है वो बिंदिया से सहमत नहीं है. जो बिंदिया चाह रही है वो पायल नहीं चाह रही है, और इसीलिए मैं फटकार रही हूँ उसको. क्योंकि जो बिंदिया चाह रही है, मैं चाहती हूँ कि मैं भी वही करूँ. तो बस वही रीज़न है. तो यहाँ पे जो मेरा कैरेक्टर है फूलवती का, ऐसा कैरेक्टर मैंने पहले कभी भी प्ले नहीं किया है. कैरेक्टर काफ़ी ईवल है. कैरेक्टर बहुत फ़नी है, मतलब वो फ़नी होने की कोशिश नहीं करता, बट कैरेक्टर अपने आप को ऐसे सिचुएशंस में हमेशा ले आता है कि बहुत ही फ़नी है. ऐसा रोल मैंने कभी प्ले नहीं किया है. इतनी ज़्यादा मेहनत मैंने कभी किसी और कैरेक्टर के लिए नहीं की है. इतना ज़्यादा मज़ा भी मुझे कभी नहीं आया है. इतने शानदार को एक्टर्स, इतने शानदार हमारे दोनों डायरेक्टर्स, मतलब दिस इज़ समथिंग दैट आई प्रॉब्ली कुड हैव ओनली ड्रीम्ड ऑफ. तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सुहागन को देखिए और अपना बहुत बहुत प्यार दीजिए. हम सब यहाँ पे बहुत ही प्यार से आपके लिए ये शो बना रहे हैं कि आपको देखने में मज़ा आए. बहुत ही प्यारी कहानियाँ हैं. दो बच्चियों की कहानी है, उनके रिश्तेदारों की कहानी है, और बहुत बहुत मज़ा आएगा. तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिए. अच्छा नहीं लगा का फोटो, पता है कि वो फोटो में तुम हमारे साथ नहीं हो. तुमने पूरी दुनिया तुम हो दादी, तुमने बिना एक दिन भी नहीं रह सकते. इस पास तो तू पूछ लो अपने अपने पास से. तू शहर में गांव से 100 गुना ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी हमारी बच्चियों को. स्कूल है भाई, दादी से ज्यादा जानती हो. दादी बोली ना शहर में भी ज्यादा. पीछे टंकी करते देखो,